छड़ के गुरु की पैरी
सोई ते आये जीअड़े। सिर साहा पादशाह सिर साहा पादशाह तिस ही की कर आसमान तिस ही की कर आसमान जिसका सब सविसा जिसका सब सविसा सब से आण पा चढ़ के सब से आण पा चढ़ के गुर की पैरी पा गुर की चरणी पा सब से आण पा चढ़ के चतराई ना चतर भुज पाई है सब सियाण पा छड़ के गुर की चरणी पा गुर की चरणी पा मन मेरे सुख सहज से दी जपना सुख सहज सिद्धि जपना आठ पहर प्रभ त्याए तू गुण गोविंद नित गा तिसकी सरली परमना
ਸੋਈ ਤੇ ਆਏ ਜੀੜੇ ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਤੇ ਆਈਏ ਜੀੜੇ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਹੋਛਾ ਸ਼ਾਉ ਨਾ ਕੀ ਜਈ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਈਏ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਉਪਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਉਪਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ ਉਪਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ ਸੋਈ ਤੇ ਆਈਏ ਜੀੜੇ ਸੋਈ ਤੇ ਆਈਏ ਜੀੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਏ ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੋਈ ਤੇ ਆਈਏ ਸਰਣੀ ਪਰਮਨਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰਮਨਾ ਜਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਕਣਾ ਦੁਖ ਦਰਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਰ ਚਾਕਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਰ ਚਾਕਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਰ ਚਾਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਕੱਟੀਏ ਜਮਕੀ ਫਾ
दाता पै पंजनो तिस आगे कर अरदास तिस आगे कर अरदास मेहर करे मेहर करे जिस मेहरवान मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे ला बहुतो बहुत वखाणी है बहुतो बहुत वखाणी है ऊंचा ऊंचा थाओ वरना चेहना बाहरा वरना चेहना बाहरा कीमत कह ना सका नानक को प्रभु में आकर नानक को प्रभु में आकर सच देवो अपना ऐसा हर नाम प्याई है मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए जो सबना ऊपर हुक्म चलाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे अवसर ले छड़ा सोई ते आये जियड़े सिरसा बादशाह सोई ते आये जियड़े सिरसा बादशाह इस ही की करे सबसे विसाहा जियड़े सिरसा हां पातशाह तिस ही की कर आसमान जिसका सब सुविसा।
सब सियाणपां छड के गुरु की चरणी पा। आओ सियाणपां नूं त्यागदे होए हिरदे अंदर गरीबी धारण करदे होए सरबत माई पाई दसवें गुरु नानक दसवीं जोत गुरु कलगीधर पातशाह आप अकाल पुरख ज्योति स्वरूप की महान जोत दे चरणा विच करो नमस्कार अते प्यार नाल श्रद्धा दे नाल सरबत माई पाई अपने मन दियां हाजरियां लवांदे होए एक बारी गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हजूर पातशाह जी दी महान बख्शिश दा सदका सानू ए हजूर जी दी प्यारी मिठी गोद नसीब हुई है। साहब सच्चे पातशाह जी ने महान बख्शिशां कीतियां हन। आओ उस महान दाते कोलो मंगीए जिस कोलो एक बारी मंग के मुड़ के मंगण दी लोड़ ना पवे। मेरे दतार पीतम पातशाह जी दे प्यार विच केड़ियां सुंदर पंक्तियां आप सरवण कर रहे सो। दाता ओ ना मंगीए फिर मंगण जाइए सोई ते आई है जीड़े सिर शाहां पातशाह। पातशाहां दा पातशाह मेरा दतार पीतम पातशाह एडा वड्डा पातशाह है एडियां वड्डियां दातां दा मालक है। भाई शामू सचियार जी गुरु कलगीधर पातशाह जी दे महान 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 बख्शिशां दे पात्र संत संगत सिंह जी कमालिया वाले इन्हां दे वड्डे वडेरे सन। भाई शामू सचियार जी जिन्हां दा नौनिहाल काका जवेहर जिस दी अवस्था कुछ 7 साल दी होवेगी अज घर विच इतनियां रौनकां ने जिवें अज तुसी बैठे हो ना इवें प्यार दे नाल भाई शामू सचियार गुरु कलगीधर पातशाह जी दा अनन भगत अनन सेवक अज उन्हां दे ग्रह विखे बड़ी धूमधाम दे नाल कीर्तन हो रहा है क्योंकि संगतां ने अज इत्थे आके पड़ा कीता। दो वेले नितनेम दो वेले गरीब नवार पातशाह जी दे प्यार विच गुरबाणी दा कीर्तन ऐसा प्रवाह चलिया कुछ दिन प्रवाह चलदा रहा अते उस तो उपरंत जदों संगतां ने तैयारे कीते ते हजूर दे प्यार विच अरदासा सोध के संगतां तुरन ही लगियां सन कि भाई ज गरीब नवार पातशाह जी दा लाडला सिख भाई शामू सचियार गल च पल्लू पा के कहन लगा गुरु की साध संगत मेरे ते उपकार करो बख्शिश करो रहमत करो। मैं चाहुंदा हाँ कि ये जो गुरु दी दित्ती हुई दात है गुरु दी बख्शी हुई दात है इस दात नूं तुसी अपने नाल ले जा के काका जवेहर नूं गुरु कलगीधर पातशाह जी दे चरणां विच मत्था टेका के वापस ले आउण। एक वारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहिगुरु। बस मैं होर कुछ नहीं मंगदा तुहाडे कोलों यही एक खैर मंगदा हाँ जे तुसी कृपा करो मेरी झोली विच यह खैर पा दिओ इस बच्चे नूं गुरु कलगीधर पातशाह जी दे चरणां विच नमस्कार करवा के बस वापस ले आउणा। अंतरजामी सतगुर सच्चे पातशाह आप जानते हैं ज्योति स्वरूप अंतरजामी सब जाने होर किस पै आग सुनाइए कहने कथन न पीजे गोबिंद हर पावे पैज रखाइए। गरीब नवार पातशाह जगत मालक के प्यार में संगतां ने तैयारे किते उपरंत जदों श्री आनंदपुर साहब संगतां पहुंचियां संगतां ने जाके चरण धोते इशनान किते अते गरीब नवार पातशाह जी की जदों पावन दरगाह के अंदर एक एक सिख जा करके नमस्कार करता है मत्था टेकदा है प्यार नाल। आओ आपां भी उवें नमस्कार करिए ते प्यार नाल आखिए धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह। मेरे दतार प्रीतम पातशाह ज्योति स्वरूप सिंघासन ते विराजमान हन। मैं दाते दी जिक्र कर रहा हाँ कि दाता ओ किड्डा वड्डा दाता है जिथों मुड़ के मंगण दी लोड़ ना पवे। हजूर अगम्मी रौं दे विच बैठे हुए सन दोवें नैन बंद सन सारियां संगतां मत्था टेक के जिस वेले अपने अपने स्थान ते बैठ गईयां ते जदों इस बच्चे दी वारी आई मत्था टेकण दी ते हजूर दे दोवें नैन खुल गए दोवें नैन खुल गए। हजूर ने तकिया इस बच्चे दे मस्तक वल ते गरीब नवार पातशाह जी ने बच्चे नूं अपने कोल बुला लिया आखिया बेटा गल सुन। इस बच्चे नूं कोल बिठा लिया ते हजूर ने आवाज़ दित्ती सेवादार नूं सेवादार जी पातशाह जाके कलम दवात लै करके आओ। गरीब नवार पातशाह जिवें आपदा हुक्म दे मुताबिक कलम दवात आ गई। हजूर ने बच्चे नूं आखिया बेटा साडे सामने खड़ा हो जा। बच्चे नूं अपने सामने खड़ा करके हजूर ने बड़े प्यार विच आके बच्चे दे मस्तक वल नीज ला के तकिया। कुछ देर तकण तो बाद हजूर ने उस बच्चे दे मस्तक दे उत्ते सिफर दा निशान पा दिता सिफर दा निशान पा दिता।
ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਤਾਰ ਪੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, ਦਤਾਰ ਪੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਕੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦਤਾਰ ਪੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖਿੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਜੋ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਕਾ ਜਵੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੂ ਸਚਿਆਰ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੂ ਸਚਿਆਰ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਯੂ 9 ਬਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਪਿਆਰਾ ਸਤਨਾਮ, ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਯੂ 9 ਬਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਤਾਰ ਪੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਫਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਏਗਾ। ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ, ਆਓ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਾ ਲਈਏ। ਸੋਈ ਧੀਆਏ ਜੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।